नवरात्रों के दिन चल रहे हैं तो आज हम अष्टमी और नवमी पर बनाए जाने वाला सूजी के हलवे का प्रसाद बनाएंगे, जिसे बनाना बिल्कुल सिंपल है। सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें सही मेजरमेंट का पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। ये मैंने एक कटोरी देसी घी लिया, एक कटोरी चीनी, एक कटोरी सूजी और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अब सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे और घी को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम सूजी डाल देंगे और गैस की फ्लेम लो कर देंगे। सूजी को हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है और इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और अब हम इसे लो फ्लेम पर ऐसे ही भूनेंगे बीच बीच में। देखिए इसमें कलर आना शुरू हो चुका है, अब इसमें हम बढ़िया कलर आने देते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा भी और भूनेंगे। देखिए सूजी हमारी भून चुकी है, अब इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे और इसे चला देते हैं। जब इसमें हम एक गिलास पानी डाल देंगे तो इसे चलाने के बाद हम एक गिलास पानी और ऐड करेंगे, टोटल हम दो गिलास पानी लेंगे और इसे अब चला देते हैं और गैस की फ्लेम लो ही रहने देंगे और इसे अच्छे से पकने देते हैं पानी में। देखिए हम इसे बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे। देखिए पानी हमारा इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है, अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी, सूजी और घी हमें एक ही कटोरी का नाप रखना है। देखिए चीनी भी इसमें मेल्ट हो चुकी है और इसमें बढ़िया कलर आ गया है चीनी मेल्ट होने के बाद। अब इसमें हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। सूजी का हलवा हमारा बनकर तैयार है, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।